आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है मेरे दोस्त कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है और टॉपिक है आपका हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो 16 से 18 घंटे पढ़ते हैं, 16 से 18 घंटे का हार्ड वर्क करते हैं, परंतु वह इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। और ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो रोजाना 5 से 8 घंटा पढ़ते हैं, उसके बावजूद 1 साल की कड़ी मेहनत में वह क्या कर लेते हैं, यूपीएससी सीएससी के एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं और जो भी उन्होंने सपना देखा है आईएएस आईपीएस बनने का वो बन जाते हैं। तो दोस्तों, आखिर वे क्या करते हैं ऐसा जो हार्डवर्क वाले स्टूडेंट्स नहीं करते? तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर होता है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी काम के करने के 2 तरीके होते हैं। एक ये कि आप खुद गलतियां करो और उससे सीखो, जिसे आप हार्ड वर्क कह सकते हो। और दूसरा यह है कि दूसरे जो गलतियां कर चुके हैं उससे आप पहले ही सीख जाओ और जो गलतियां उन्होंने की है उन्हें आप दोहराओ मत और जो उन्होंने सही किया वह करो। इसको आप कह सकते हैं स्मार्ट वर्क। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।